नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बीएनजे डेवी टाइम्स के साथ। मैं साहित्य बिश्नोई आपका स्वागत करता हूँ। शीर्षक से स्पष्ट हो ही गया होगा कि आज हम एक विशेष प्रकार के लघु उद्योग पट्टचित्र कला का विश्लेषण करने जा रहे हैं। पर आइए उससे पहले हम संक्षेप में जानते हैं कि लघु उद्योग क्या होता है। लघु उद्योग छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ होती है जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन शुरू करती है। वे सापेक्षिक रूप से सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन करती है। इनमें कौशलता की आवश्यकता बहुत होती है। भारत में भारतीय लोककला आमतौर पर ग्रामीण और अंतर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा बनाई जाती है। इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है और इन लोगों के पास कला की कोई तकनीकी अवधारणा नहीं होती है। वे आमतौर पर कला की पारंपरिक अवधारणा का पालन करते हैं जो उनको उनके पूर्वजों से विरासत के रूप में प्राप्त हुआ था। विशेष रूप से पट्टचित्र के मामले में देख सकते हैं कि इस प्रकार की कलाएं प्रकृति में जातीय है और देश की समृद्ध कलाओं का एक सांस्कृतिक और पारंपरिक तत्व है। मैं चाहता हूं कि हमारे विशेषज्ञ यशराज जी इस विषय पे हमें कुछ और जानकारी दें। नमस्कार, मेरा नाम यशराज मिश्र है। मैं आज पट्टचित्र के बारे में अधिक जानकारी देना चाहूँगा। पट्टचित्र ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला है। यह मुख्य रूप से जगन्नाथ और हरि और राधा की प्रेम कथा का विवरण करता है। यह चित्रकला जगन्नाथ संस्कृति पर आधारित है। इससे ओडिशा चित्रकारी द्वारा एक प्रकार के चित्र पलंग पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंगों को उपयोग करके चित्रित किया जाता है। यह ओडिशा की प्रमुख अति प्राचीन कला है। शब्द पट्ट का अर्थ है कपड़ा, एक विशेष प्रकार का चित्र जो विभिन्न कपड़ों पर चित्रित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक चित्रों को दर्शाया गया है। अब मैं चाहता हूं कि हमारे विशेषज्ञ गगन जी पट्टचित्र बनाने की विधि के बारे में हमें कुछ जानें। मेरा नाम गगन कुमार सेठी है। एक पट्टचित्र अपना पट्टचित्र परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग से बनाते हैं। सर्वप्रथम महिला सदस्य गोंद और कपड़ा तैयार करती है और उस पर लहर की परत लगाती है। फिर पुरुष सदस्य प्रारंभिक रेखा खींचती हैं और अंतिम परीक्षण देता है। पटचित्र सूति कपड़े की छोटी पट्टियों पर की जाती है। कपड़ों को इमली के बीच से बने चाक और गोंद का मिश्रण का लेप लगाया जाता है। इस पर दो अलग अलग प्रकार के पत्थरों के मदद से रगड़ा जाता है और फिर कपड़े को सुखाया जाता है। अब मैं चाहता हूं कि हमारे विशेषज्ञ तरुण जी इस पर हमें कुछ और जानकारी दें। नमस्कार, मेरा नाम सी एस तरुण कुमार सुबुद्धि है और मैं इस विषय पर अधिक जानकारी देना चाहता हूं। गोंद और चाक का मिश्रण कपड़े की सतहों को एक चिकना रूप दे देती है। जिस पटचित्र सब्जी और मिट्टी के पत्थर के रंगों से चित्र करता है। पटचित्र जटिल रूप से चिंतित है और उनके सुंदर मनमोहक आकृतियाँ बनाई गई होती है। चित्रकार इसे बनाने में महीने लग जाते हैं। यह पूरी तरह पटचित्र तुलिका के उपयोग से बनी गई होती है, पेंसिल से नहीं। इसकी लोकप्रियता अब पूरे भारत में और यहाँ तक भी विदेशों में भी बढ़ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे विशेषज्ञ स्वप्निल जी हमें पटचित्र बनाने के प्रमुख स्थानों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम स्वप्निल है और मैं इस विषय पर अधिक जानकारी देना चाहूँगा। यह अनमोल कला ओडिशा के रघुराजपुर, पुरी, दंडसाई, पालेकमुंडी, चिकिटी, डिगोपांडी, सोनपुर और धराकोट में आज भी चित्रकारों द्वारा बनाई जाती है। इनमें से रघुराजपुर खास है क्योंकि यहाँ प्रत्येक घर में एक चित्रकार है। यहाँ बहुत से पर्यटक घूमने और उड़िया चित्रकला को देखने आते हैं। ग्रामीण इनका दिल से स्वागत करते हैं। यहाँ प्रत्येक घर एक लघु उद्योग है। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।